बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। हो गया बच्चों? अब पिछली कक्षा में जहाँ तक हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है, उसके आगे का प्रश्न आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 4, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बच्चों हम यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों, बचपन एक प्रकार के भाव का नाम है। बचपन एक प्रकार के भाव का नाम है। तो बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन भाववाचक संज्ञा है। अपनी पुस्तक में सही का निशान लगाइए भाववाचक संज्ञा पर। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ख, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं बच्चों, इंदिरा गांधी, खुशी और देश। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? सबसे पहले बच्चों हम यह जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा है? इंदिरा गांधी। क्या है बच्चों? तो सही उत्तर क्या आएगा? इंदिरा गांधी, वहाँ पर सही का निशान आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? इंदिरा गांधी। लगाइए अपनी पुस्तक में सही का निशान। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, उत्साहपूर्वक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क, पूर्वक, अक। अब प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब उत्साहपूर्वक शब्द में कौन सा शब्द जुड़ा है? पूर्वक। तो बच्चों, उत्साहपूर्वक शब्द में पूर्वक क्या है? प्रत्यय है। सही का निशान किस पर आएगा? पूर्वक पर। लगाइए अपनी पुस्तक में सही का निशान। हो गया बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। घ, अधिकार का वर्ण विच्छेद क्या है? देखिए बच्चों, इसके पहले आप लोग वर्ण विच्छेद कर भी चुके हो। कौन सा उत्तर सही आएगा? पहला वाला। अधिकार का वर्ण विच्छेद क्या है? पहला वाला उत्तर सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, पढ़ाई शब्द पढ़ में आई प्रत्यय लगाने से बना है। पढ़ाई शब्द पढ़ में आई प्रत्यय लगाने से बना है। आई प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। बच्चों, हमें आई प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखना है। तो लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है जमा आई बराबर, आपको सामने लिखना है। तो वहाँ पर लिखिए रंग, रंग लिखिए बराबर रंगाई, सामने लिखते जाइए। फिर उसके नीचे लिखिए चढ़ बराबर चढ़ाई। फिर उसके नीचे लिखिए बच्चों बुन बराबर
बुनाई। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलेंगे। लड़ जमा आई दिया हुआ है ना, बराबर उसके सामने लिखिए लड़ाई। अब उसके नीचे लिखिए लिख, बराबर लिखाई। कम बराबर कमाई। बच्चों अक्षर साफ सुंदर और स्वच्छ रूप से लिखिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए वाक्यों में बताइए कि उनमें किस काल का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए वाक्यों में बताइए कि उनमें किस काल का प्रयोग हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यकाल। तो बच्चों काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यकाल। अब सबसे पहले भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बच्चों, भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय। भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय। ऐसे क्रिया शब्द, अब भूतकाल किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया शब्द जो बीते समय का ज्ञान कराए, क्या कहलाते हैं, भूतकाल कहलाते हैं। और वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल किसे कहते हैं बच्चों, भविष्य अर्थात आने वाला समय, भविष्य अर्थात आने वाला समय। अब भविष्य काल किसे कहते हैं, ऐसे क्रिया शब्द जो आने वाले समय का ज्ञान कराए उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे भविष्य अर्थात भविष्यत काल कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। आपके बुक में, आपकी पुस्तक में ऐसे दिया हुआ है ना, वाक्य के नीचे वाक्य लिखा हुआ और काल के नीचे आपको लिखना है कि कौन सा काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल। तो देखिए पहला क्या है, माँ खाना बना रही है। वाक्य क्या है, माँ खाना बना रही है। अब काल का नाम लिखना है आपको कि कौन सा काल है, तो माँ खाना बना रही है। कार्य क्या है, चल रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, वर्तमान काल। लिखिए वहां पर वर्तमान काल। हो गया, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ख, वाक्य का क्या है, आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी अर्थात अभी तक वर्षा हुई नहीं है, होगी अर्थात आने वाला समय है वह। तो क्या आएगा बच्चों, काल के नाम के नीचे क्या लिखोगे, भविष्यत काल। क्या आएगा, लिखिए अपनी पुस्तक में। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, वाक्य क्या है, कल हम आगरा गए थे अर्थात समय बीत चुका है। तो काल का नाम क्या आएगा बच्चों, भूतकाल। वहां पर लिखिए काल के नाम के नीचे ग के सामने भूतकाल। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। घ, अदिति पढ़ रही है। अदिति पढ़ रही है, क्या है बच्चों, कार्य चल रहा है, अदिति अभी पढ़ रही है। तो कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल। कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल। लिखिए वहां पर वर्तमान काल। चलिए आगे चलेंगे। बच्चे खेल रहे थे, वाक्य क्या है बच्चों, बच्चे खेल रहे थे। तो काल का नाम क्या आएगा, भूतकाल। बच्चे खेल रहे थे के सामने लिखिए भूतकाल।
हो गया बच्चों? चलिए चलिए आगे पढ़ेंगे। वाक्य क्या है? पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे अर्थात अभी कार्य हुआ नहीं है, समय अभी आएगा, अभी कल पिताजी जाएंगे। तो काल के नाम के सामने क्या लिखेंगे हम? काल के नाम के नीचे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, उसके सामने लिखिए भविष्यत काल। लिखिए बच्चों, हो गया? तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। आइए चलते हैं। कौन सी गतिविधि है? नीचे भारत के कुछ विशिष्ट महिलाओं के चित्र दिए गए हैं। नीचे भारत के कुछ विशिष्ट महिलाओं के चित्र दिए गए हैं, उनके चित्र को उनके नाम से मिलाइए। उनके चित्र को उनके नाम से हमें मिलाना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से नाम दिए गए हैं? कल्पना चावला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। अब हमें उनके नाम को उनके चित्र से मिलाना है। सबसे पहला पिक्चर देखिए बच्चों, किसका चित्र है? प्रतिभा पाटिल का। किसका चित्र है? प्रतिभा पाटिल का। तो हम प्रतिभा पाटिल के चित्र को प्रतिभा पाटिल के नाम से मिला देंगे। हो गया बच्चों? अब देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला चित्र किसका है? कल्पना चावला का। तो हमने यहाँ पर इस चित्र को उनके नाम से मिला दिया। हो गया? अब यहाँ पर देखिए यह चित्र किसका है? सबसे ऊपर इंदिरा गांधी। यह देखिए हमने उनके पिक्चर को उनके नाम से मिला दिया। अब उसके नीचे का चित्र किसका है? किरण बेदी। किरण बेदी के चित्र को किरण बेदी के नाम से हमने मिला दिया। यह गतिविधि पूरी हो गई बच्चों। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस पाठ के गतिविधि कार्य को भी पूरा कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।